नमस्कार, आप सभी का A1 छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में कैशलेस काउंटर पर सियासी घमासान शुरू। भाजपा ने सीएम भूपेश बघेल और सरकार को लिया आड़े हाथ। बजट घोषणाओं को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग। छत्तीसगढ़ में फिर से आबाद होने लगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। माउस डियर जैसे दुर्लभ प्रजातियों को देख पर्यटक हुए रोमांचित। स्थानीय लोगों की सहभागिता भी आई का। सख्ती जिले के फेरा गांव में भीषण आग। 40 सागौन के पेड़ जलकर राख। मवेशियों का चारा और लकड़ियां भी जलकर हुई खाक। पड़ोसी ने खरपतवार में लगाई थी अपने खेत में आग। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में विवादित FIR मामले का खुलासा। झूठे मामले में फंसाया गया रेप पीड़िता की मां को। कोर्ट से जमानत के बाद बोली महिला, आरोपी ने समझौता नहीं करने पर पुलिस के साथ मिलकर किया खेल। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में कैशलेस काउंटर पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई है। सरकार के पास जनता की सेवा और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देने के भी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कई घोषणा की थी, जिनमें 1 जून से छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में कैशलेस काउंटर की भी थी, लेकिन अभी तक योजना को लागू तक नहीं किया गया। सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है। अब इस सरकार के पास में जनता की सेवा करने के लिए, उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पैसे नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 1 जून से छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में अब कैश काउंटर नहीं होंगे। सबका पूरा इलाज और पूरी दवाई मुफ्त में दी जाएगी। कल 1 जून है, परंतु अभी तक बजट में इसके लिए कोई पैसा नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। भूपेश बघेल सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के आखंड में। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बहुप्रतीक्षित सासो नदी में पुल निर्माण की मांग पूरी आखिरकार हो गई है। क्षेत्रीय विधायक ने लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का भूमि पूजन किया। पुल नहीं होने से यहां के ग्रामीण काफी परेशान थे और साल में लगभग 10 महीने जिला मुख्यालय के से दूर हो जाते थे। बता दें कि इस गांव में मूल रूप से पहाड़ी कोरवा और उराव आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं। नदी में पानी भर जाने के कारण इस गांव के लोग बेहद परेशान थे। पहली बार जब विधायक को भी गांव में पहुंचने के लिए नाव से नदी को पार करना पड़ा, सरकार ने इसमें संज्ञान लिया और नदी पर पुल बनाए जाने के लिए इसे बजट में शामिल किया गया। इसमें हमारा जो ये पुलिया आज हम लोग भूमि पूजन किए हैं, महोदय जी आए हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक ऋषभ सिंह जी आए हुए हैं भूमि पूजन के लिए। भूमि पूजन हो चुका है। हमारे पूरे गांव में बहुत ही हर्ष का विषय है और सभी लोग बहुत ही हर्षित और उल्लासित हैं, क्योंकि ये मुख्य मार्ग से जुड़ने जा रहा है। कई परेशानी से हमारा गाँव घिरा हुआ था, चारों दिशा नदी नाला पहाड़ से घिरा हुआ है और पहाड़ी कोरवा बहुल क्षेत्र है। हमारा ये चिल्मा पंचायत है और नवीन पंचायत है। मैं प्रथम सरपंच यहाँ की हूँ, मेरा नाम अंजू बेग है और मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि महोदय जी पहल किए, हमारी समस्याओं को दूर किए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कई समस्याओं का समाधान एक साथ इस पुलिया के माध्यम से हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद। ये देखिए, सरकार को जगाने का काम तो सबसे पहले मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि यहाँ आम जनता की मांग को लेकर मीडिया के लोगों ने आया था, फिर हम लोगों को भी बुलाया था,
हम लोग जब आए तो नदी में नाव लगा के पार होके गए थे और पूरे गांव के एक एक घर के लोगों ने, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के स्वागत किया था और यहाँ से नदी से लेकर गांव तक स्वागत करते हुए पैदल लेकर गए थे। और हम लोगों ने अपने आंखों से देखा था ये नदी। जब हम लोग बजट जुड़ने लगा तो मुझे याद है कि मुझे कापी पेन की जरूरत नहीं पड़ा, मुझे डायरी देखने की जरूरत नहीं पड़ा, आप लोगों ने इतना याद ही करवा दिया था प्रेस के लोग और इस क्षेत्र की जनता ने कि सबसे पहले मैंने कहा कि ये आपका चिलमा, पस्ता से चिलमा का बीच जो सासू नदी है, इसका पुल सबसे पहले बनना चाहिए और इसको लगभग 7 करोड़ लागत से स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति की और घोषणा भी की और आज इसका परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। 1 साल के अंदर ये पुल बनकर तैयार हो जाएंगे और मुख्य सड़क से भी हमारा गांव जुड़ जाएगा। पस्ता से चिलमा मार्ग में सासू नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनना है जिसकी लागत 6 करोड़ 10 लाख रुपए शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें 22 मीटर का 6 स्पान बनना है जो 12 महीने के अंतराल में कम्प्लीट होना है। इस पुल के निर्माण हो जाने से पस्ता, चिलमा और आसपास के 6-7 गांव जैसे पाड़ी, बासेन, लुर्गी, सरगवा के करीब करीब 10,000। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में माउस डियर जैसे दुर्लभ प्रजातियों की वापसी देखे जाने से सरकार का वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य साकार हो रहा है। संचालक धमशील गणवीर ने बताया कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ऐसे वन्य जीव के लिए उपयुक्त रहवास होने और राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन की ओर से वन्य जीवों के संरक्षण हेतु चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के प्रयास स्थानीय लोगों की सहभागिता सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सक्ती जिले के ग्राम फेरा में आग लगने से 40 सागौन के पेड़ जलकर खाक हो गए और इस भीषण आग से खेत में रखा मवेशियों का चारा और लकड़ी को भी राख कर दिया जिससे किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। पड़ोसी किसान ने खरपतवार जलाने के लिए अपने खेत में आग लगाई जो फैलते फैलते किसान के बाड़े तक पहुंच गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन वाहन ने आग पर नियंत्रण किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी गाँव पहुंचे जहां उन्होंने किसान को मुआवजा देने के निर्देश दिए। चंद्रा ग्राम खैरा योगेश कुमार और राज कुमारी भोजराम ने अपन कोला में बांस में आग लगी। आग कंट्रोल नहीं हो पाई, बढ़त बढ़त में 4-5 ठक कोला में आग लगी। मोरो नुकसान कर रहे कम से कम 5 लाख रुपया के। मैं जाके थाना में शिकायत करें, वहाँ से SDM तहसीलदार पुलिस वाला आ करके मौका जाँच कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में रतनपुर की चर्चित और विवादित FIR के मामले का खुलासा हो गया है। विशेष जांच टीम ने अपनी जांच में पाया कि रेप पीड़िता की मां को झूठी मामले में फंसाया गया था। हालांकि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने रेप पीड़िता की मां को जमानत दे दी। छत्तीसगढ़ के RUB का शिलान्यास व लोकार्पण समारोह है जिसमें सार्वजनिक। तो चलिए इन्हीं सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।